हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। इंतजार की घड़ी खत्म हुई, फाइनली हम लोग टॉप 40 एमसीक्यू को जानने वाले हैं, मतलब कि 40 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे पार्ट वन पार्ट टू में, जिसके आप लोग करके क्या कर सकते हो, इसके एमसीक्यू करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जो फाइनल एग्जाम में आपका एमसीक्यू आए उस चीज़ को आप इजी से कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है एपरेटस यूज फॉर लिमिट टेस्ट, मतलब कौन सा एपरेटस यूज होता है लिमिट टेस्ट के लिए। अगर मान लो यही जो पूछ लेता कि आर्सेनिक के लिए कौन सा एपरेटस हम लोग यूज करते हैं, तो आप लोग बताना गुडजेट एपरेटस। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ आपका मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं या नेशनल या कॉनिकल फ्लास्क यूज करते हैं या फिर टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं। इसका अगर सही आंसर के बारे में बात करें तो हम लोग नेशनल सिलेंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन पर्पल कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, मतलब क्या होता है जब आयरन का हम लोग क्या करते हैं लिमिट टेस्ट करते हैं तो पर्पल कलर जो है फॉर्मेशन होता है, किसके कारण? यहाँ पे आया हुआ फेरस थायोग्लाइकोल या ग्लाइकोलेट के कारण, फेरिक ग्लाइकोलेट के आ रहा था या फिर ग्लाइकोलिक एसिड के नाम से। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन के बारे में बात करें तो फेरस थायोग्लाइकोट की वजह से क्या होता है कि आपका लिमिट टेस्ट जब हम आयरन का करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, समझो। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, जब भी एमसीक्यू बनाओ ना पहले एक बार या दो बार पढ़ लो, लेकिन गलत नहीं करना। लिमिट टेस्ट जब हम आयरन करते हैं तो पर्पल कलर जो है फॉर्मेशन होता है, किसके वजह से? फेरस थायोग्लाइकोट की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ कौन सा ऐसा यहाँ पूछ रहा व्हिच ऑफ द एरर इज अनप्रिडिक्टेबल, मतलब अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि क्या चीज है, कौन सा एरर है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब उसको सही भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा एरर देख लेते हैं। एरर के बारे में बात करें तो एरर हम लोग दो तरह से देखते थे, क्या है? एक तरह हमारे पास था सिस्टमिक एरर, दूसरे हम लोग के पास रैंडम एरर। देखो सिस्टमिक जो एरर है उसको हम जानबूझ के कोई चीज हो रहा है या कॉज पता हो गया किस लिए हो रहा तो उसे हम सिस्टमिक एरर कहेंगे। लेकिन जिसका कॉज पता नहीं है क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल में कह लो लड़कियां कभी कभी क्या करता है, जस्ट फॉर मजाक है मतलब सीरियस मत लेना, उसका मुंह क्यों खुला रहता है उसे तो खुद पता नहीं होता कि क्यों गुस्सा है किस लिए। तो उस तरह का अगर मान लो एरर है तो पता ही होगा तब तो हम सही करेंगे ना। सेम इसी तरह क्या होता है कि ऐसा एरर जिसका हमें कॉज ही पता नहीं है कि कारण ही पता नहीं है क्यों हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो सिस्टमिक एरर को हम लोग डिटरमिनेट एरर कहते हैं, डिटरमिनेट, और हम लोग रैंडम एरर को हम लोग क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा हमारा? इनडिटरमिनेट एरर। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आरएनएस को यहाँ पूछ रहा क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू आरएनएस एसिड को क्या कहते हैं? जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था, ये हम लोग कब पढ़े थे, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में पढ़ा था हम लोगों ने। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ोगे तो वो क्या कहता है, जो वाटर में जाके H प्लस आयन देता उसको हम लोग एसिड कहेंगे। तो H प्लस मतलब कि डोनर तो नहीं होगा, प्रोसीडर जो होगा मतलब प्रोड्यूसर जो होगा उसी को हम लोग आरएनएस एसिड कहेंगे। सही आंसर क्या है? यही वाला होगा। चलिए द स्टेज ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इट विच द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट, मतलब इसमें पूछ रहा है कि टाइट्रेशन जब हम करते हैं तो रिएक्शन जब कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एंड पॉइंट कहते हैं। और एंड पॉइंट का हम लोग किस चीज से डिटेक्शन करते थे, हम लोगों को पता है आपको, इंडिकेटर का यूज करके हम लोग एंड पॉइंट का डिटरमिनेशन करते थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंडिकेटर का यूज करते तो क्या है यहाँ पे आंसर क्या होगा? एंड पॉइंट। अब कहते हैं मोर्स मैथड डिटेक्शन, मोर्स मैथड में हम लोग जो डिटेक्शन करते थे एंड पॉइंट का कौन से में, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ बताना आप लोग, इनसॉल्युबल कंपाउंड है, सॉल्युबल कंपाउंड है, कलरलेस प्रेसिपिटेशन है, कलर प्रेसिपिटेशन है। तो इसमें सही आंसर के बारे में बात करें तो कौन सा होगा बताना चैट में आप लोग बताओ कमेंट। कलर प्रेसिपिटेंस बढ़ जाता है, मतलब कलरफुल प्रेसिपिटेंस बढ़ जाता है, इसका सही आंसर क्या है? डी होगा। चलिए नेक्स्ट आते द कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन इज यूज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ, कम्प्लेक्सोमेट्री जब हमने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन हम लोग किस लिए करते हैं। मेनली हम लोग मेटल आयन्स या मेटल को डिटरमिनेशन करने के लिए हम लोग कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन करते थे। कम्प्लेक्सोमेट्री में EDTA का यूज करते थे, EDTA का यूज करते थे हम लोग, लिगेंड का भी यूज करते थे, लिगेंड करके सेंट्रल मेटल में मतलब चारों तरफ से हम लोग यूज करते थे, आपको याद होता इसका। आपको किस लिए करते हैं कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन हम लोग किस लिए करते हैं? हमारे मेटल आयन को डिटरमिनेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट फेरस सल्फेट।
फेरस सल्फेट पूछ रहा कि एंटासिड है, एंटासिड के बारे में बात कर रहे थे, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, डेंटल प्रोडक्ट पूछ रहा नहीं है, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं है। अगर बात करें फेरस सल्फेट, अगर याद हो आपको तो हम लोग हिमेटेनिक्स की तरह यूज करते थे। हिमेटेनिक्स मतलब क्या करता था, हमारे बॉडी में जब आयरन की कमी हो जाती है या ब्लड की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती थी तब हम लोग यूज करते थे। किस तरह से काम करता था, आरबीसी का प्रोडक्शन करता था। तो सही आंसर क्या होगा हमारे पास, हिमेटेनिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिडिटी इन ऑरिस्टा। पहले कितना इजी इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें पूछ रहा कि कौन सा चीज यूज करते हैं, डायूरेटिक क्या करता था, हमारे यूरिन का एलिमिनेशन को बढ़ाता, मतलब मूत्र का फ्लो को बढ़ाता था, एंटासिड क्या करता था, यही तो था जो न्यूट्रलाइजेशन करता था। जब हमारे पेट में एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड हो जाए तो उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। एंटासिड के बारे में बात करें तो ये किस नेचर का होता है, ये हमारा बेसिक नेचर का होता है, एंटासिड का यूज करते थे। इसका आंसर क्या होगा हमारा, एंटासिड। देखो एंटी माइक्रोबियल एजेंट कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। मेनली अगर हम बात करें फाइव टाइप का, मतलब पांच तरह का एंटी माइक्रोबियल होता है, जैसे कि मान लो कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी न्यूक्लास्टिक, फिर अगर एंटी न्यूक्लास्टिक हो जाए, एंटी फंगल हो जाए, इस तरह अगर हम बात करें तो टोटल फाइव तरह के होते हैं। अब यहाँ पे बात करें एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग बात करें तो एलिफेटिक कंपाउंड, ये आपको ऑर्गेनिक से पूछ रहा है, एलिफेटिक कंपाउंड का मतलब ए साइक्लिक कंपाउंड को भी हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड को क्या कहते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड भी हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका बताना कन्वलसेंट एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं। देखो कन्वलसेंट को हम लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के नाम से भी जानते थे, एक आगा न्यूरोलेप्टिक के नाम से भी हम लोग जानते थे। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हमारे पास है, एपिलेप्सी या सीजर के बारे में बात करें, जो कन्वलसेंट यहाँ पे लिखा हुआ एंटी कन्वलसेंट, अगर कन्वलसेंट लिखा हुआ तो यहाँ पे आएगा एपिलेप्सी का ड्रग, यहाँ पे अगर एंटी कन्वलसेंट अगर रह जाता तो यहाँ पे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता, तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। चलिए नेक्स्ट आ, अब बताना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेडेटिव कैन बी यूज क्लिनिकल सीजर। कौन से ऐसा चीज है जिसका हम सेडेटिव की तरह यूज करते हैं, सेडेटिव की तरह, यहाँ पे अल्कोहल है, फिनोबारबिटन है, जोल्पी, ये देखो एल्प्रोजोलम है, यहाँ जोल्पी डैम के नाम से है, तो इनमें से कौन सा होगा। अगर आपको याद हो तो एल्प्रोजोलम का ही हम लोग यूज करते थे एज ए सीरेटिव, और ये सीजर के लिए जब होता था। नेक्स्ट अगर बात करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्कैजोफ्रेनिया, स्कैजोफ्रेनिया जैसे कह लो स्कैजोफ्रेनिया करने के लिए हम लोग कौन सी चीजों को यूज करते हैं। इसमें आपको कंपाउंड याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो रट्टा मान लो। स्कैजोफ्रेनिया का हम लोग क्या करते थे, क्लोरप्रोमाजिन यूज करते थे, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है कि व्हिच टाइप्स ऑफ ड्रग यूज फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, कौन सा बताओ। एक बात होता है डेंटल प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या चीर फाड़ के लिए करेंगे दांत का, अगर हम उसको डेंट नहीं ना करेंगे। अगर हम बात करें एंटी साइकोट्रिक, जैसे कि साइकोट्रिक साइकोलॉजिकल बीमारी हो जाए उसको ट्रीटमेंट नहीं। हाइपोग्लाइसीमिया इसका किस लिए यूज करते बताना आप लोग, हाइपोग्लाइसीमिया कॉमेंट में बताओ आप लोग कि किस लिए हम लोग यूज करते हैं, कौन से, जैसे कि एग्जांपल हम लोग बता दें, एक ऑप्शन दे देते हैं, मलेरिया के लिए यूज करते हैं या एंटी डायबिटीज की तरह हम लोग यूज करते हैं। इसका सही आंसर अगर होगा, अगर मान लीजिए इस वाले को पूछे तो ये आपका एनेस्थेटिक यूज करते हैं। एनेस्थेटिक कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक लोकल एनेस्थेटिक, एक होता है जनरल एनेस्थेटिक। लोकल जो पार्टिकुलर एरिया को पार्टिकुलर जो है, मान लीजिए यहाँ पे अगर देते हैं तो यहाँ पे सर्जरी करेंगे पता नहीं चलेगा, पेन का सेंसेशन रोक देता। अगर जनरल के बारे में बात करें तो पूरा पूरा बॉडी में हम लोग देते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ब्रांड नेम ऑफ फेनाटोइन, फेनाटोइन का ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो आपको क्या था, फेनाटोइन सोडियम। ब्रांड नेम क्या है आपका, फेनाटोइन का नाम क्या है, ब्रांड नेम का अगर आया तो फेनाटोनियन फेनाटोनिन सोडियम। केटमिन इज द ब्रांड नेम ऑफ, केटमिन अगर बात करें किस चीज का ब्रांड नेम है बताना आप लोग, केटमिन किस चीज का ब्रांड है, केटमिन के बात करें तो केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड क्या है। देखो कभी कभी होता है ना कि इसके नेम से ही देखो, यहाँ पे के से केटमाइन है तो केटमाइन कुछ ना कुछ ब्रांड नेम में भी यूज किया जाता है। अब बात करें स्टोरेज कंडीशन ऑफ एल्प्रोजेनम, एल्प्रोजेनम जब हमने पढ़ाया था आपको तो मैंने आपको बताया था 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आता है, मतलब सॉरी 15 से 25 होगा, यहाँ पे 15 से 25 से एक आइडियल होता है मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे 20 से 15 भी यहाँ पे दे सकते हैं, ये भी सही आंसर है। तो एक रेंज याद रखना कि इस रेंज के बीच में जो रहेगा वही सही आंसर होगा, कौन सा होगा आपका, जितना भी एनाल्जेसिक ले लो या जितना भी सीएनएस पे काम कर लो 15 से 25 डिग्री के सेल्सियस के इसमें रखते हैं।
यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन ऐसा है जो एंटी कन्वल्सेंट नहीं है। एंटी कन्वल्सेंट को क्या कहते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग भी कहते हैं। फिनोटोनिन है, कार्बामेजिपैन है, यहाँ पे मेटफॉर्मिन है। एग्जाम एग्जाम्पल की बात करते हैं, मेटफॉर्मिन का एक्सप्लेन अलग लिखा है। मेटफॉर्मिन हम लोग किस लिए यूज करते थे, हम लोग डायबिटीज को सही करने के लिए मेटफॉर्मिन यूज करते हैं। इसका भी हम लोग एंटी कन्वल्सेंट के लिए यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट एन एंटी डिप्रेसेंट, कौन सा ऐसा है जो एंटी डिप्रेसेंट नहीं है। क्लासिफिकेशन आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए क्लासिफिकेशन याद नहीं, अगर ये क्लासिफिकेशन याद है तो डायरेक्ट आपको याद रख लेना। हम लोग पॉलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर जो हम लोग यूज नहीं करते एंटी डिप्रेसेंट की तरह। चलिए नेक्स्ट आते, विच ड्रग यूज फॉर आई डायलेशन। आई डायलेशन पीपिल को आप लोग क्या करता था, पीपिल को ये खोल देता था। यहाँ एट्रोफिन है, सेरोटोनिन है, एम्फोटेरिक बी है, एजिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन तो होगा ही नहीं, क्लियर है। अब एक एक करके हम लोग देखें तो यहाँ एट्रोफिन का यूज करते थे। एट्रोफिन क्या करता, हमारा आई का डायलेशन करता था। कौन सा ड्रग यूज करते हैं, एट्रोफिन क्या करता, हमारे आई का डायलेशन करने का काम करते हैं, मतलब पतला करने के लिए जब एग्जामिनेशन करते हैं तब हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखो, विच ड्रग इज यूज फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। अब पहले जानते हैं एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता। एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बात करें तो क्या होता था कि हमारे लेफ्ट साइड में दर्द होने लगता था। क्यों, इसलिए कि ऑक्सीजन का सप्लाई सही तरीके से नहीं दे पाता था, बॉडी में सही तरीके से नहीं दे पाता था, जिसके कारण एंजाइना। देखो केटा का नॉलेज तो हम लोग यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे आता है पिलोकार्पिन के लिए, अब दोनों में आते हैं। इसका अगर बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि ये हम लोग एंटी मलेरिया की तरह हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, या टीबी भी हमने कह दीजिए। तो आइसोसॉर्बेट जो है डाइनाइट्रेट, ये हम लोग एंटी पैक्टोरिस की तरह यूज करते हैं। किसके तरह यूज करते हैं, एंटी पैक्टोरिस या एंजाइना पैक्टोरिस में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग आइसोसॉर्बेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, कौन सा ऐसा है जो अल्फा और बीटा, कौन सा ऐसा सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव के बारे में बात करिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है नॉन सेलेक्टिव, कौन सा ऐसा ड्रग है जो नॉन सेलेक्टिव है। तो ये हमारे पास लेवेटालोल आता है, ये हमारा नॉन सेलेक्टिव। कौन सा है नॉन सेलेक्टिव, अल्फा बीटा ब्लॉकर, ये हमारा लेवेटालोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट एन एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, कोई ऐसा है जो एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट नहीं है, मतलब एगोनिस्ट के तरह वो क्या कहते हैं उसको, जो है सिंपैथोमिमेटिक भी कह सकते हैं इसे, कि सिंपैथोमिमेटिक की तरह ये काम नहीं करता। अगर ये दोनों को देखे तो ये दोनों करता था, अगर हमें बात करें तो ये वाला अगर देखे तो डोपामिन भी काम करता था। आंसर क्या होगा, लास्ट वाला का, वो ग्रिसोफिल फुलबिन के नाम से आता है। नेक्स्ट रहता है, विच इज डी कंजस्टेंट, कौन सा हम लोग डी कंजस्टेंट के तरह यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा नेफाजोलिन है, डाइजेपाम है, थायो पेटेंट सोडियम है, इस पैरोनो लैक्टोन के नाम से, तो इस पे अगर हम बात करें तो आंसर कौन सा आता है, सिंपल सी बात है। इसका आप लोग मुझे आंसर बताना कमेंट में कि कौन सा इसका आंसर होगा। देखो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग प्रैक्टिस करोगे तभी हम लोग ये कर सकते हैं एमसीक्यू के, क्या करना, देख देख के दो तीन बार वीडियो देख लेना, एग्जाम देने से पहले भी आप वीडियो देख के जाना, एमसीक्यू को जरूर जाना, क्योंकि एमसीक्यू आपको क्या है नंबर बढ़ा सकता है बस। और देखो अगर आसपास हेल्प भी मिल जाए ना तो हेल्प ले लेना, प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना आपको, अगर हेल्प मिले तो हेल्प ले लेना और अच्छे तरीके से सॉल्व करना। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। देखो एमसी का सीरीज चल रहा है, एमसी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से आप लोग कर पाओगे और अच्छे तरीके से अच्छा मार्क ला सकते हो। एमसी को करने के लिए यही चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना क्या, वीडियो देखो और याद कर लो। अगर मान लो इतना लंबे टाइम आपने नहीं दिया या प्रैक्टिस नहीं करा तो अभी लंबे टाइम इस सीरीज में हम लोग लेते आएंगे एमसी को, अच्छा खासा हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग का एमसीक्यू एक भी ना छोड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।